हमारे खुदावंत यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 21वां बाब 15 से 19 आयत तक। उस वक्त जब वो नाश्ता कर चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन बरयोना, क्या तू इनसे ज़्यादा मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ऐ खुदावन, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरे बर्रे चरा। उसने दोबारा उससे कहा, ऐ शमौन बरयोना, क्या तू मुझे प्यार करता है? उसने उससे कहा कि हाँ ऐ खुदावन, तू तो जानता है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। उसने उससे कहा कि तू मेरी छोटी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने सहपारा उससे कहा कि शमौन बरयोना, क्या तू मुझसे प्यार करता है? तब पतरस दिलगिर हुआ, इसलिए कि उसने तीसरी बार उससे कहा कि क्या तू मुझे प्यार करता है, और उससे कहा कि खुदावंद, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा कि तू मेरी भेड़ें चरा। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तू जवान था, तू आप अपनी कमर बांधता था और जहाँ कहीं चाहता था जाता था, मगर जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथों को फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधेगा और वहाँ ले जाएगा जहाँ तू ना चाहे। उसने इन बातों से इशारा किया कि वो किस तरह की मौत से खुदा का जलाल जाहिर करेगा, और ये कहकर उससे कहा कि मेरे पीछे हो ले। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। असीस दोस्तों, खुदावन ने पहले शागिर्दों की जिस्मानी ज़रूरियात का बंदोबस्त किया। जब वो खा पी चुके और आग ताप कर गर्म हो चुके तो वो पतरस से मुखातिब हुआ और रूहानी मामलात निपटाए। पतरस ने खुदा का 3 बार एलानिया इनकार किया था। इसके बाद उसने तौबा की और खुदावन के साथ उसकी रफाकत बहाल हो गई थी। इन आयात में खुदावन उसकी बहाली को एलानिया तस्लीम करता है। जिस तरह पतरस ने 3 बार खुदावन का इनकार किया था, इसी तरह उसको इकरार करने के लिए भी 3 मौके दिए गए। इस दफा पतरस ने इस हकीकत के सामने फरियाद की कि यीशु खुदा है और इसलिए सब कुछ जानता है। उसने तीसरी दफ़ा कहा, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूँ, और अब आखिरी मर्तबा उससे कहा गया कि तू इस मोहब्बत का सबूत मसीह की भेड़े चर्रा कर दे सकता है। कलाम के इस हिस्से में अहम सबक ही है कि मसीह की खिदमत का काबले कबूल मुहरक सिर्फ उससे मोहब्बत है। इसके बाद वजाहत की गई कि पतरस शहीद की मौत मर कर खुदा का जलाल जाहिर करेगा। वो जिसने खुदावन का इनकार किया था, उसको हिम्मत, जुरत और तौफीक अता होगी कि उसी खुदावन के लिए अपनी जान का नजराना पेश करे। ये आयत याद दिलाती है कि हम अपनी जिंदगी और मौत दोनों से खुदा का जलाल जाहिर कर सकते हैं। रेडियो वेरिटास एशिया।